आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। मुझे लगा यहाँ पर लास्ट वीक वापस फार्मा में काफी अच्छी हलचल थी, एंड उसमें से सन फार्मा पिछले 4 हफ्तों से एक हाई टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस अच्छी तरह मेंटेन कर रहा है। 1010 के आसपास का एक क्लस्टर है रेजिस्टेंस का, बट मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर क्लस्टर इसने काफी कॉन्फिडेंटली पिछले हफ्ते में क्लोज किया था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो मोमेंटम मिला है स्टॉक को, वो पर्टिकुलर मोमेंटम आज भी शायद कंटिन्यूड रहे। ऑन द हायर साइड 1040 के आसपास के स्विंग्स नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी सन फार्मा के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगा रहा है 1005 पे ऑन द फ्यूचर्स, एंड इंट्राडे टारगेट लगभग अराउंड 1040 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सन फार्मास्यूटिकल्स, ये है सचिन का आज का प्रेफर्ड ट्रेड। सातपुते साहब, गुड मॉर्निंग। कौन सी जगह की बात कर रहे थे अपन लोग? जमीन कहाँ की बिकी? संगम वाड़ी संगमवाड़ी कैसी जगह है भाई? आशीष जी, देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह से पुणे में एक्सपांशन हो रहा है, नहीं दिस इज ये तो वन ऑफ पता नहीं होगा। आप ऐसा बोलो ना, नहीं देखा। अच्छा, आज का टॉप कॉल। नहीं, आशीष जी ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं है, मैं थोड़ा सा लीवरेज ले रहा था, थोड़ा सा खींच अच्छा, रहा ये इसीलिए कह रहा था मैं क्योंकि बिरला एस्टेट में जमीन खरीदी सुदर्शन के। हम लोग सुबह पूछ रहे थे एक दूसरे से कि संगमवाड़ी है कैसी था। जगह, तो मैं क्लिक नहीं फोन हो रहा था करके कहाँ बता पे। दूंगा आपको, मैं फोन करके बता डन है सबसे आज का ट्रेंड। दूंगा आशीष जी, देखिए आज का ट्रेड रहेगा, एक तो बैंकिंग मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक पे नजर है। लेकिन अगर आपको प्योर टेक्निकली चाहिए कि जहां पे ब्रेकआउट्स हुआ है, जहां पे ऑप्शंस का डेटा सपोर्टिव है, वो है एसबीआई कार्ड। अगर आप एसबीआई कार्ड का ब्रेकआउट देखे, एसबीआई कार्ड का पैटर्न देखे, तो मुझे लगता है आज का इसका टारगेट, पहला टारगेट होना चाहिए 770 का। 770 इसका पहला टारगेट है, 755 का क्लोज था, तो 745 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें, 770 पहला टारगेट है। अगर इसके परे चला जाता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 790 का। तो बहुत बढ़िया पैटर्न मुझे दिखता है, वो है एसबीआई कार्ड, सो इट्स बाय। अच्छा, आपने पुणे की बात की। एक्चुअली पुणे के रियल एस्टेट में एकदम से बहुत बड़ा बूम है, मतलब वो हिंजेवाड़ी और वो जो पूरा एरिया है उसमें जबरदस्त बूम है। तीन इनफैक्ट मार्केट्स। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।